नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ये प्लास्टिक की वेस्ट जो पड़ी हुई बॉटल्स हैं उनको हम हैंगिंग पॉट के रूप में कैसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। कुछ जो पौधे होते हैं वो इस तरह के होते हैं जिनको हम छोटे पॉट्स में भी लगा सकते हैं, तो ऐसे पौधों को हम इस तरह की बॉटल्स में लगा के यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने इस बॉटल को बीच में से काट लिया है, इसे एक पोर्शन इसका ऊपर की साइड से, और जिससे कि एक ऊपर का पोर्शन इसका खुला रहे, और इसके दोनों तरफ छेद कर दिए हैं और नीचे भी मैंने इसमें छेद किए हैं। तो दोनों तरफ छेद करके पहले मैं इसकी जो रस्सी है हमें वो बांधनी है, पहले इसको बांधना है, बाद में बांधेंगे तो पौधे डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये देखिए ऐसे इस तरह से लटक जाएगा, जितना लटकाने के लिए लंबा आपको चाहिए आप उतना इसमें रख सकते हैं। नीचे के जो दो छेद हैं उन पर मैंने कंकड़ रख दिया है और अब मैं इसमें मिट्टी डाल दूँगी और ये पॉटुला का मैं इसमें लगाऊंगी, जो छोटे पॉट में बहुत आसानी से हो जाता है। तो थोड़ा बहुत जो सूखे पत्ते वगैरह इसमें डाल देती हूँ। इस तरह से जो प्लास्टिक की बॉटल जो ये होती हैं ये वेस्ट होती हैं, किसी काम की नहीं होती, हमारे लिए पोल्यूशन ही बढ़ाती हैं, साथ ही इनका इसमें सही इस्तेमाल हो जाता है, बिल्कुल अच्छा इस्तेमाल इसमें हो जाता है, ख़राब भी नहीं लगती हैं लटकी हुई और स्पेस भी नहीं घेरती हैं। ये मैं इसमें अच्छे से पूरे में मिट्टी भर दूँगी, ये इसको अच्छे से भरना है। आप चाहे तो इसको हल्का रखना है तो कोकोपीट रख सकते हैं। और तो ये पोर्टुलाका की देखिए, मैंने जब पोर्टुलाका की जो कटिंग की थी फरवरी में, उसके जो छोटे छोटे जो टुकड़े बचे थे वो मैंने इन छोटे छोटे दो डब्बों में डाल दिए थे, और वो सारों में अब देखिए सारे में अब इनका समय आ गया है, इन सब में ब्रांचेज निकल रही है नई नई। ये जो मिट्टी निकली इसको भी डाल देती हूँ इसी में, ये देखो इस सारे जो ये वही कटिंग है, कटिंग के जो टुकड़े हैं वो मैंने इनमें डाल दिए थे, हैंगिंग पॉट की कटिंग की थी मैंने इसमें पोर्टुलाका की, और अब मैं इनको दोनों तरफ को झुका थोड़े से दोनों साइड को इनको लगा दूंगी इस मिट्टी में, और ये हमारा बहुत ही सुंदर पॉट बन के तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, बहुत लोग इसको डेकोरेट करते हैं, पेंट करते हैं उसमें, और इस तरह से ये जब इसमें फूल आएंगे तो बहुत अच्छा सुंदर लगेगा, और ये इसमें खिल जाएंगे और अभी और इसको स्पेस और मिलेगा, क्योंकि पहले छोटे डिब्बे में थे तो ये और बड़े बड़े हो जाएंगे पोर्टुलाका। बहुत सुंदर है, खूबसूरत इस तरह से ये वेस्ट मैनेजमेंट करने का तरीका है। ये जो बॉटल्स होती हैं ये किसी ये हम ऐसे ही यूज़ नहीं करते, फेंक देते हैं इनको यूँ ही, तो ये इनका बेस्ट यूज़ आप कर सकते हैं इस तरह से गार्डनिंग में। ये देखिए कितना अच्छा इसका इस्तेमाल हुआ है, और अच्छे से इसके ऊपर इनकी जड़ें थोड़ी दबा देती हूँ, जब पानी से ये सेट हो जाएगा तो आप चाहें तो इसको और भी डाल सकते हैं मिट्टी। अब मैं इसमें पानी दे देती हूँ, पानी हल्के हाथ से आप इसमें डाल दीजिए, एक बार पूरा भर दो, उसके बाद जल्दी जल्दी पानी की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है इस तरीके से तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बॉटल्स को लटका के उनका इस्तेमाल किया हुआ है। एक और दूसरा जो है ये पॉट है इसको भी मैं यूज़ करूँगी, ऐसे ही ऊपर नीचे दोनों को लटका दूँगी। ये देखिए ये मैंने इसमें लटका रखा है, ये ऊपर जेड प्लांट और एक और ये कटिंग इसी भी बॉटल में मैंने लटका रखी है। बहुत आसानी से जो पौधे हो जाते हैं उनको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा केयर की जिनको ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा बड़े पॉट की जिनको पौधों को ज़रूरत नहीं होती। देखिए 5 लीटर की बॉटल में मैंने टमाटर भी बो रखा है, बहुत अच्छे से ये दूसरी राउंड इसमें टमाटर